वेलकम टू माई च्यानल गाइज, म हो प्रयास तामाङ। आज मैले म मेरो छोरी र मेरो बुढी अनि म आज हामी यहाँ घुम्न आएको छु शिव मन्दिर, जो कि भोजपुर भोपालमा छ, हाम्रो नाना र भेनाहरू। अनि के कसो छ म तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखान्छु। हुनु त यो यहाँको बहुत पुरानो स्थल हो शिवको, बहुत अगाडि बनाएको हो, अनि अहिलेसम्म भारत सरकारले नि यसलाई मेन्टेन गरेर राख्दो रहेछ। र के छ म सबै भिडियोमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई, बनिराख्नुहोस् भिडियोमा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है भोजपुर का भोजेश्वर शिव मंदिर। मान्यता के अनुसार बेतवा नदी के किनारे पहाड़ों पर स्थित यह मंदिर राजा भोज के द्वारा बनाया गया था। विश्व प्रसिद्ध यह शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा शिवालय है, और इसकी जो मेन दरबार है वह हिंदू मंदिरों में से सबसे ऊंची दरबारों में से एक है। हालांकि यह शिव मंदिर सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। कहीं मान्यता यह भी है कि इस शिव मंदिर को एक ही रात में बनाया गया था पांडवों के द्वारा। तो इस मंदिर में आने के बाद इतना तो मैं बता सकूंगा, जो इंटीरियर है और इंटीरियर में जितना भी कारीगरी किया हुआ है वो इतना अच्छा और साफ है, आप देख सकते हैं। इनका डिटेलिंग इतने सालों के बाद भी हटा नहीं है, काफी डिटेल अभी भी दिखता है।
और साथ ही साथ जो रूप है वो भी काफ़ी हद तक बड़ा है और काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है। और ये मूर्ति है जो यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, लेकिन ये मूर्तियों का जो फेस है उसको थोड़ा मतलब फेस नहीं दिखाया गया है इसमें। अंदर से भी शिवलिंग काफ़ी बड़ा दिखता है और चौड़ा भी है, और ये रूप का डिटेलिंग है जिसमें आप देख सकते हैं मूर्तियों के साथ साथ वहाँ पर परियों का भी कुछ बनाया हुआ है। और ये रहा हमारे शिवलिंग। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि यहाँ पे भक्तों की कमी नहीं थी, श्रद्धालुओं की कमी नहीं थी, इतने सारे श्रद्धालु आ रहे थे कि पूछिए मत, वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हुआ था। यही नहीं, वहाँ पे धूप के साथ साथ गर्मी भी बहुत लग रही थी, लेकिन हमारे श्रद्धालु बस आते ही जा रहे थे। ऐसा ही हमारे शिव जी का लीला है, चाहे वो तपती हुई धूप में हो या फिर गाइस, आप देख सकते हैं हमारे शिव जी को देखने के लिए कितने भक्त आते रहते हैं, चाहे वो धूप में हो, चाहे वो ठंड में हो, बर्फीली पहाड़ों में हो, कहीं भी हो, हमारे शिव जी के भक्तों का कोई तोड़ नहीं। वो जहाँ भी चले जाते हैं शिव जी का नाम लेके, तो इसी तरह यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था आज के दिनों में भी। ठाप दिन पुराना मंदिर और जाते जाते हम मंदिर के साइड में चले गए थे जहाँ पर हमको बंदर दिखने मिला। काफ़ी सारे बंदर थे वहाँ पर, आप देख सकते हैं वीडियो में। गाइस,
गाइज तपाईले हेर्नु भएकोमा अनि धेरै धेरै माया दिनुस् होला मेरो भिडियोलाई लाइक गरेर अनि सब्स्क्राइब गर्दिनुस् होला मेरो च्यानललाई तपाईलाई के मन पर्यो मन परेन त्यसलाई कमेन्ट बक्समा जरुर लेख्नुस् अनि यसरी नै माया देखाउँदै गर्नुस् तपाईले भेटौँ म नेक्स्ट ब्लगमा बाई बाई।